जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे कई रूटों पर वंदे भारत का परिचालन कर रही है। मैं जो आज आपको रूट बताने वाला हूं, वो बहुत ही एक कठिन रूट भारतीय रेलवे के लिए होने वाला है। और उस रूट पर भारतीय रेलवे अब वंदे भारत का परिचालन करने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर में। अब वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि कब तक इस पर वंदे भारत का परिचालन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कश्मीर जाने का सपना सजा रखा है तो अब एक खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। आपको बता दें कि अब सीधे ट्रेन कश्मीर जाना मुमकिन हो जाएगा और जल्द ही आप यह यात्रा भी कर पाएंगे। सीधी ट्रेन शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर से जम्मू की यात्रा 6 घंटे के बजाय 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। श्रीनगर से जम्मू के लिए वंदे भारत सेवा शुरू हो जाने के बाद लोगों को काफी राहत मिल जाएगी, जिसका इंतजार लंबे समय से लोगों को अभी तक है। इस परियोजना की शुरुआत से देश की इकोनॉमी में बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि माल का परिवहन आसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सेब और अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भेजने में भी आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही बागवानी के प्रोडक्ट के आदान प्रदान की भी सुविधा बहुत तेजी से हो जाएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने एक न्यूज एजेंसी कश्मीर न्यूज कटरा बरनिहाल तक जाने वाली 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर काम भी लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। इसके बाद कटरा बरनिहाल रूट पर अभी भी काम प्रगति पर है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी या फरवरी में इस रूट पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस रूट पर काम पूरा हो जाने के बाद यात्रियों को सीधे जम्मू तक ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी और आरामदायक सफर लोगों को करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला उधमपुर बनिहाल ट्रैक की शुरुआत दिसंबर 2023 के अंत तक हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि USBRL परियोजना पर एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। 119 किलोमीटर लंबे USRBL प्रोजेक्ट में कुल 38 सुरंगें हैं और इसमें से सबसे बड़ी सुरंग 12.75 किलोमीटर की है। यह सुरंग देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग भी बन चुकी है। इसके अलावा 927 पुलों का निर्माण भी किया गया है। इसमें 359 मीटर ऊंचा चीना ब्रिज और अंजी खाड़ी नदी पर देश का एकमात्र रेल पुल शामिल है। इसका निर्माण इलाके की खाड़ी की ढलान पर किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे बहुत ही ज्यादा मशक्कत करके इस रूट पर रेल का परिचालन शुरू करने जा रही है, जो कि आपको बहुत जल्द इस पर वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे सबसे पहले शुरू करने जा रही है। और ये इंडियन रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट था, जो कि पूरा होते हुए नजर आ रहा है, जिसका 95% काम भारतीय रेलवे ने पूरा कर लिया है। बस उसका छोटा सा अंश बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्द भारतीय रेलवे पूरा करके और वहाँ भी लोगों को वंदे भारत का परिचालन आपको देखने को मिलेगा और कश्मीर की वादियों में वंदे भारत में लोगों को सफर करने का एक सुनहरा अवसर बहुत जल्द भारतीय रेलवे लेकर आ रही है। फिलहाल इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।